And first of all, we will discuss the method, how to draw the ray diagram for concave mirror as well as convex mirror. Ready, Vite? Just open your notebooks, and I suggest to take two different colored pens also. If you are not with two colored pens, take a pen as well as pencil. You should be ready with two pens of different colors or one pen and pencil. So, dear students, you must be. देखिए कितने बच्चों को मेरा नाम याद है, भूल गए सब? विशिष्ट बेटे मेरा नाम है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को डीवी सर बोलते, आई डोंट नो व्हाई। तो आज हम बात करेंगे, देखो आपने जब पेज पे लिखना है बेटे, आपने लेफ्ट टू राइट लिखना, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। रीजन, जब मैं यहां लिख के यहां आऊंगा तो मेरे बच्चों को ये भी दिख रहा होगा, ये भी, यहां लिख के यहां आऊंगा तो सारा दिख रहा होगा, कुछ भी मेरी बॉडी के पीछे नहीं छुपेगा। राइट? लो बेटे, जब भी बच्चों ने रे डायग्राम बनाना होता है, तो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। हैंडराइटिंग समझ आ रहा है? हैंडराइटिंग गंदा तो नहीं हैंडराइटिंग? यस सर। ओके, सो व्हाट आर दोज रूल्स बेटे? नंबर वन रूल है, जब भी कोई रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो एवरीवेयर दिस गैप शुड बी सेम, इफ दिस गैप इज सेम देन दिस रे ऑफ लाइट, दिस गैप रिमेन्स सेम एवरीवेयर, रे ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर से टकराने के बाद ये जिस पॉइंट में से गुजरेगी वो गारंटेड तौर पर प्रिंसिपल फोकस होगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटे? प्रिंसिपल फोकस। शॉर्ट में लिखे तो पैरेलल वाली टकराने के बाद फोकस में से, गॉट इट? फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चे? अगर हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर कोई मिरर है, तो यहां से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चला, वो ईश्वर फोकस में से जा रहा है और टकराने के बाद वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये वाला गैप कांस्टेंट रहेगा। एक्सक्यूज मी सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नॉट क्लियर? हेडफोन तो ऑन ही है बच्चे, मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ। अब देखो क्लियर है क्या पहले से? यस सर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टीचर इज सेइंग लाइट रे फॉर पासिंग थ्रू फोकस gets parallel to principal axis. And third point is, if this is principal axis, this point is focus, and this point is center of curvature, then a ray of light passing through the center of curvature strikes against the mirror and return back. जिधर से गई उधर से ही वापिस आएगी, अगर रे ऑफ लाइट सी में से गुजरे, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, और
फोर्थ पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर टकराए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी एंगल बनाती है उसके बराबर एंगल, इंसिडेंस एंगल के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के निकलेगी। और टकराने के बाद, मैं अभी एग्जांपल्स लूंगा, टकराने के बाद जब रे ऑफ, दो रे ऑफ लाइट जहां पर भी मीट करें वहां पर इमेज बनता है। तो ये तो थी ऊपर वाली बातें, लेकिन बच्चे को मजा ही नहीं आता जब तक इसको फिगर में लगाना ना आए। अब हम इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली कैसे लगाना। ध्यान इधर देना बेटे, इतना बढ़िया समझाऊंगा कि आपको गारंटेड आवाज निकलेगी, सर पूरा समझ आ गया, लेकिन ध्यान देना बस इतना काम आपका। देखो बच्चे, सबसे पहले हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये मैंने बेटे मिरर बनाया और इस तरफ मैंने निकल और क्रोम का पॉलिश कर दिया किसी का भी, ये दोनों में से, और ये पॉइंट मैंने पोल बना दिया। पोल से एक ऐसी स्टेट ऑफ लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूं वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पे ये पॉइंट फोकस हो गया। आप सभी को पता है पी एफ इट स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होता है पी से लेकर सी पॉइंट तक, इसका डबल। ए वी विल मेक इट लाइक दिस, यहां पर सी बन गया, ओके, और ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, पॉलिश कर दिया। अभी तक टीचर ने बिल्कुल सिंपल काम किया। अब यहां से मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज करता हूं तो मतलब, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिए, ओके। और ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है टिक वाला। अब ध्यान से देखना बेटे, यहां से इंपॉर्टेंट, जो बच्चा दूर भी बैठा है और जिसको डायग्राम छोटी भी दिख रही है पूरे में सारा समझ आएगा, बस सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले हम रे ऑफ, एक ऐसी रे निकालते हैं ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। देखो इससे मैच करता है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये वाला हमेशा गैप है बेटे। ये टकराने के बाद कहां से निकलना चाहिए बोलो, एनी रे फोकस में से, तो यहां से ये टकराने के बाद फोकस में से गुजरा, गॉट इट? यस सर। अब मैं दूसरी रे ऑफ लाइट निकालता हूं, दूसरा कलर लेता हूं और इसको, ये मैंने रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से लेकर आया, ये मैंने फोकस के ऊपर थ्रो किया, ये मिरर से टकराएगा और जो फोकस में से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये बिल्कुल देखो पैरेलल जा रही है, ब्लू वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल जा रही है, जा रही कि नहीं बेटे? जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट टकराएं वहीं पर हमारा इमेज बनेगा, ये बन गया इमेज। एक बच्चा कह रहा है सर इमेज का मुंह आपने नीचे को क्यों कर दिया टिप उसका, मैंने कहा बेटे ये रेज ऑफ लाइट कहां से चल रही है, टिप से चल रही है ना। हाँ बच्चा कह रहा है हाँ जी सर, तो जहां पर ये आपस में मीट करेंगी इंटरसेप्ट करेंगी वहां पर टिप भी बनेगा। जितना भी इसका साइज होता है ये वाला, इसको इमेज साइज बोलते हैं। उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ आया, यस और नो? यस। अब एक बच्चा कहता है सर आपने तो ये दो रूल भी बताए थे,
ये क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको बच्चे को बोला लो बेटे वो भी बता देते हैं आपको। टीचर ने बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से गुजरे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरे, तो वो वापिस उसी ट्रैक को फॉलो करेगी। अब देखना मैं क्या दिखा, मैंने इस रे ऑफ लाइट यहां से निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। आप बोलते हैं सर आप नीचे से क्यों ड्रा कर रहे हो बेटे, थोड़ा ड्रा करना आसान है, आएगी रे ऑफ लाइट ऊपर से, ये रे ऑफ लाइट आई बच्चे। देखो टीचर ने जब रे ऑफ लाइट यहां से निकाली तो टकराएगी, यस सर, मोड़ना नहीं है रे ऑफ लाइट में, जहां पर भी बेंड आ गया आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा पेपर, ये ऐसे टकराई, हमें मिरर को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे ये मिरर को टकराती है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट करती होती है और यहीं से वापस चले जाती है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। देखो ये तीसरा रूल भी लग गया। तो बच्चा कहता है सर रे डायग्राम के लिए चारों रूल लगाने जरूरी है? नो नो, कोई भी दो रूल्स से भी काम चल जाता है, कभी कभी तीन की भी जरूरत होती है। अच्छा एक बच्चा कहता है सर ये पोल वाला तो आपने बताया ही नहीं, तो पोल वाला भी जब मैं ड्रा करूंगा उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, देखो ये आ गया रे ऑफ लाइट पोल पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, और जब मैं यहां से टकरा के बाहर निकालूंगा ये डॉटेड गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बनेगा। गौर से देखो ये टिप से चलने वाली सारी रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद टिप यहीं से गुजर रही है, एक ही पॉइंट से, सारे की चारों रेज ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद सेम पॉइंट से गुजरेंगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें, जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने के लिए टू रेज ऑफ लाइट ही सफिशियंट होती है। बट टीचर ने चारों क्यों दिखा दी? क्योंकि वो अपने बच्चों को चारों पॉइंट क्लियर करना चाहता है। इज दैट क्लियर? यस अब मैं आपको एक बहुत ही खास पॉइंट बता रहा हूं, जिस बच्चे को वो पॉइंट याद रह गया, ध्यान से सुनो टीचर क्या कह रहा है, जिस पॉइंट बच्चे को वो पॉइंट याद रह गया, अकेला पॉइंट, हो सकता है ये चारों भूल जाएं, अकेला वो पॉइंट याद रहेगा तो भी बच्चा रे डायग्राम बना ले एक ही पॉइंट से। ये वाला पॉइंट आमतौर पे स्लिप हो जाता है टीचर्स के माइंड से। ध्यान से सुना, बच्चा एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट बैठा था मेरी क्लास में, उसने मुझसे यही पूछ लिया कि सर ये पैरेलल वाली राइट लाइट जो फोकस में से आपने बोला हमने मान लिया, लेकिन फोकस में से ही क्यों गुजरती है ये तो बताओ। ध्यान से सुनो, रे ऑफ लाइट यहां से टकराने के बाद फोकस में से गुजर गई, सर इसका कारण तो बताओ। किसी भी रे ऑफ लाइट में बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और उसकी उस खूबी का क्या नाम होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बच्चे रे ऑफ लाइट में बेंड लेके आ जाते हैं, उसी पॉइंट से गुजारने के चक्कर में उसमें मोड़ ले आते हैं। जैसे ही आपने मोड़ ले आए एक पेपर में आपका 0 मार्क्स, क्यों? क्योंकि आपने रे ऑफ डायग्राम का बेसिक करेक्टर ही किल कर दिया है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी रेक्टिलिनियर प्रो। अगर बच्चा कहे सर वहां से नहीं गुजर रही तो मैं क्या करूं, तब तो मेरे को मोड़नी पड़ेगी। नो नो, इसका मतलब है आपका रे डायग्राम बनाने में कोई गलती होगी, फिर से अपनी रेज को चेक करो। समझ गए बच्चे? अब टीचर वो पॉइंट बताने लगा अकेला, जिस अकेले पॉइंट को अगर आप याद रख लोगे तो हो सकता है इसके बिना ही काम चल जाए और रे डायग्राम बन जाए। ध्यान से सुनना ये वाली इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बेटे ये कॉनकेव मिरर ड्रा किया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया पोल से शुरू करते हुए, और क्या किया मैंने,
यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का निडल टाइप ऑब्जेक्ट रख दिया, अब क्या करने लगा हूं ध्यान से सुनना, मैं इस चीज का रीजन बताऊंगा कि ये रेड लाइन टकराने के बाद फोकस में से क्यों गुजर रही है। ध्यान से देखना बेटे, अब मैं यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेके आ रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ब्लैक वाली लाइन रेड लाइन के बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके अब यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं मेरा ख्याल। उसके बाद देखो, इस पॉइंट को आगे बताने से पहले मैं एक छोटा सा सर्कल का आपको प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। सर्कल सर्कल में बच्चे, सर्कल में ध्यान से सुना, सर्कल में सेंटर के ऊपर कोई भी लाइन जब जाती है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है। कहीं भी देख लो, अगर यहां से रेडियस ड्रा करोगे सेंटर में से जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री एंगल। क्लियर? अब इधर आ जाओ, ये जो रेड पोर्शन मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट था, था कि नहीं? स्फीयर से काट के लेकर आए थे कांच के स्फीयर में से, तो इसको आप सर्कल का पार्ट मान लो। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने एक ऐसी लाइन निकाल दी ब्लू कलर की जो रेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रही है। ध्यान से देख लो बेटे, टीचर ने एक ऐसी लाइन निकाल दी। बच्चा कह रहा सर मेरे को क्या पता लगेगा कि ये आपकी डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है? मैं कहूंगा देखो बेटे, इतने हिस्से को बड़ा करके देखो, ये 90 डिग्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बच्चा कह रहा है यस। फिर और बड़ा करूं तो ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन और ये पॉलिश कर रखे, गौर से देखो ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, चाहे यहां से दिखा दो और फिगर में मैंने यहां पे दिखा दी। दिख रहा है बेटे? यस और नो? अब सबसे बड़ी बात, पास इंसिडेंट रे ने जो परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल बनाया होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये डॉटेड लाइन कहां पर टच करेगी जाके? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों? क्योंकि टीचर ने अभी अभी सिखाया है सर्कल में एक रेडियस जो होता है सर्कल के सेंटर पर जाके टच करता है और यहाँ 90 डिग्री बनाता है सर्कमफ्रेंस के साथ, तो ये सर्कमफ्रेंस से ये तो है कि 90 डिग्री डॉटेड लाइन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करेगी। इज दैट क्लियर? और सभी बच्चों को पता है कि रिफ्लेक्शन के रूल्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ और ध्यान से सुनो, पी से लेकर सी तक का पॉइंट जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वो होगा प्रिंसिपल, वो होगा पी एफ फोकल लेंथ। लेकिन एफ पॉइंट तो हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे पेपर में स्केल से पी से लेकर सी तक की दूरी माप लेंगे, जितनी भी उसकी दूरी है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, उसका मिड पॉइंट। लगभग यहां आएगा बेटे, देखो मैं अंदाजे से लगा रहा हूं, आपके पास तो स्केल होएगा पेपर में। तो अगर ये फोकस है तो यहां से जब मैं रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाऊंगा तो यहां से टकरा कर ये ब्लैक रे ऑफ लाइट एज ए रिफ्लेक्टेड रे यहां से गुजरेगी, तो थोड़ा सा मेरे को यहां आएगा इसका मिड पॉइंट, ये ब्लैक लाइन यहां से गुजरेगी। तो बेसिकली क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर रखने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है और कुछ भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है मेरे बच्चों, फॉलो करना है। कौन सा लॉ?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल बस हम लोग यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना हो जाए इसलिए हम आपको ये नहीं बताते आई इज इक्वल टू आर और सीधा ही कर देते, लेकिन ये पॉइंट मैंने पी पॉइंट पर बताया भी था। तो कोई बच्चा मेरे को बोले कि सर क्या सारे पॉइंटों पर चाहे यहाँ टकराए चाहे यहाँ टकराए चाहे यहाँ टकराए चाहे यहाँ टकराए पी पर, तो क्या सारे पॉइंटों पर आई इज इक्वल टू आर का ख्याल रखते रे डायग्राम बन सकती है? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। यस, किसी भी पॉइंट पे रे ऑफ डायग्राम बना लो, आप हिट करवा लो, बस आई इज इक्वल टू आर के बराबर रख दो, आपका रे डायग्राम बन जाएगा। जैसे अब कोई बच्चा कहता है सर फोकस में से लाइट निकाल के दिखो, मैंने कहा अभी लो फोकस में से रे ऑफ लाइट मेरे को पता है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना चाहिए, यस और नो? ये टकराई और पैरेलल पहले ड्रा कर देते हैं, चलो अब हम देखते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। मैंने ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट टकराई और जो उधर से ब्लैक रे ऑफ लाइट आ रही थी वो यहां से गुजरी, ठीक है बेटे? और ये ब्लू लाइन हमने ड्रा की तो ये अपना इमेज बन जाएगा उधर। और एक खास बात देखो, कोई बच्चे कह रहे सर आपने यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया नहीं, मैंने कहा आप करके देख लो, आप सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट पे टच करो। कह रहा ओके सर, मैंने कहा ये देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बन रहा है या नहीं बन? हाँ जी सर बन रहा है, देख लो आप फिगर में, अभी तो बिना स्केल के बनाई है, अगर स्केल होती तो परफेक्ट बनेगा। Is that बेटे क्लियर? कुछ भी नहीं करना, ये देखना है यहाँ टकरा के बीच में अगर यहाँ से एक लाइन सी से टच करो, सी से टच करो तो क्या वो आधा आधा बनता है एंगल? क्योंकि दोनों बराबर है तो आधा आधा ही बनेगा बराबर। फिर यहाँ से टकरा के यहाँ से अगर कोई लाइन सी पे टच करो क्या वो लाइन आधा आधा में बांटती है पूरे एंगल को? हाँ जी बांटती है, देखो डॉटेड लाइन है इस पूरे एंगल को आधे आधे में बांट दिया आई और आर में, आई और आर बराबर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको रे डायग्राम का सबसे बेसिक पॉइंट पता लग गया। मेरे को लगता है आपको ये नहीं पता होगा जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। पता था अपने बच्चों को? पता था पहले बेटे? यही सबसे खास पॉइंट है। एक और रे डायग्राम बनाते हैं, अब मैं कॉन्वेक्स वाली बनाता हूं, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में बताने से पहले एक बात और बताऊं, ये जो ऑब्जेक्ट है जितना जितना पोल के नजदीक होता जाएगा पोल के, इमेज उतना उतना दूर होता जाएगा। ओके एक पॉइंट ये याद है। दूसरा पॉइंट इमेज जितना जितना दूर होता जाएगा उसका साइज। यस बेटे डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सर कैन यू मेक द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर सर बिकॉज़ व्हेन वी ट्राइड इट वाज नॉट करेक्ट। ओके ओके अभी लो तो बेटे इमेज एक मेरी बात सुन लो पहले, जितना जितना इमेज दूर जाएगा उसका साइज उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ओके लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट स्लिप होता होता सी के ऊपर आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो वही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट स्लिप होते होते सी के ऊपर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर होंगे। तो ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के बराबर कब होता है? सिर्फ एक ही पॉइंट है एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे पीछे रहेगा इधर इधर तो इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले, उल्टा तो बनेगा ही इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ जाए तो इमेज बराबर के साइज का,
अगर ऑब्जेक्ट सी से भी आगे चला जाए तो इमेज और पीछे हो जाएगा, अब वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा। ये तो थी मोटी मोटी बात, जितना ऑब्जेक्ट को धक्का मार के आगे ले जाओगे उतना इमेज पीछे पीछे आएगा और बड़ा बड़ा होगा, सी के ऊपर आके ये बराबर होते हैं। अब इस बच्चे ने मेरे से पूछा है, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखें एग्जैक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा? देखो फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम रोक लेते हैं, अपने बच्चे को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है टीचर के लिए। कॉनकेव मिरर बेटे, कॉनकेव मिरर का द्वारा बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं देखो ध्यान से देखना। अब मैंने ये फिर से कॉनकेव मिरर बनाया और ये इसका पोल बना दिया और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस मेंशन कर दिया। अब ध्यान से देखना बेटे, मैंने इतने ऐसे करते हैं, ये मार्कर की लेंथ के बराबर रख लेते हैं इसको, फोकल लेंथ को, ये लो फोकल लेंथ यहां पर एफ लगा लेते तो, और एफ से जो डबल तक जाएगा वो होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटे? Yes, sir. अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टीचर जैसे कि उसके बच्चे की रिक्वायरमेंट है, प्यारा सा बच्चा एक बोला था, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल निकालेंगे और उसको टकराने से पहले हम अपने मिरर की शेप भी बिल्कुल सही कर लेते हैं ताकि वो एग्जैक्ट सा ही दिखे सर्कल का पार्ट, ठीक है? आपके पास तो कंपस होगा या आप 1 रुपए का कॉइन लेके जाना, उससे बना सकते हो आप ऐसे कर्व शेप, बिल्कुल सर्कल का पार्ट लगना चाहिए। ओके, अब मैं रे ऑफ लाइट ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट से गुजारूंगा स्ट्रेट, ऐसी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मोर और लेस ठीक ही बना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां टकराई बेटे, और टकराने के बाद पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे, शाबाश फोकस में से उधार देते हैं भाई, ये लो फोकस में से गुजार दिया, ठीक है? यस सर। अब दूसरी रे ऑफ लाइट देखो, अभी अभी टीचर ने क्या बोला था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट बने तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और दोनों का साइज बराबर होगा। ये तो बोलने में थी चीज, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं बराबर बनता है कि नहीं बनता, देखते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम कलर से निकालते हैं जो फोकस से टकराएगी, फोकस में से सॉरी गुजरेगी, मुड़नी चाहिए रे ऑफ लाइट, ये खास बात, यहां टकराई बेटे, वॉट इट, और यहां यहां टकराने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो, देखो टीचर बिना स्केल के बना रहे बेटे, ये याद रहे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहां से गुजरेगा, यहां टकराई दोनों रे ऑफ लाइट बेटे, बोलो, और यहां पर जब मैं इमेज बनाऊंगा तो नीचे को बनेगा इमेज, देखो तो ये दोनों इमेज बराबर के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सर यस, यस और नो? अभी देखो yes, sir. अब मैं उम्मीद करता हूँ प्यारी सी गुड़िया को समझ आया, yes. ये जस्ट सामने बैठी है स्माइलिंग फेस वाली गुड़िया, तो ये मेरी बात। अब एक कॉम्प्लेक्स मिरर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे के पास फोन है, मैं तो समझता हूँ अगर किसी के पास भी फोन हो या रिकॉर्डिंग शायद मिल जाएगी आपको, तो इसका फोटो ले लेना चाहिए, तो देखो दूर आके मेरे को पता लगता है कि ये रे ऑफ डायग्राम थोड़ा सा ये वाला ब्लू वाला हल्का सा टेढ़ा था, जब टीचर बोर्ड के बिल्कुल पास खड़ा होता है ना बेटे, तो
तो बिल्कुल उसके लिए ऐसे होता है जैसे आप कॉपी को ऐसे पढ़ रहे हो, ए लाइक दिस ऐसे, तो कितना मुश्किल होता है राइट। तो थोड़ा दूर आके फिर हमें पता लगता है कि रे ऑफ लाइट में कुछ है। ओके अब देखो कॉम्प्लेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मिरर ये बना दिया, तो हमने इस बार पॉलिश किधर करना है, इधर करना है। अब पॉलिश के अपोजिट साइड शाइनिंग होती है, ये कौन सी लाइन है कोई बच्चा बता सकता है? प्रिंसिपल तो ये रे डायग्राम कॉम्प्लेक्स का बहुत आसान है, और कॉनकेव के तो डिफरेंट केसेस होते हैं, कन्वेक्स का एक या दो केस होते हैं बस। इसमें कन्वेक्स में हमेशा याद रखना है इमेज सीधा ही बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो कहीं भी, इमेज हमेशा छोटा बनेगा कहीं भी। उसमें तो अलग अलग केस थे। जब भी आपको 10th क्लास के पेपर में तैयारी करनी है पेपरों के लिए, याद रखना है मिरर्स के लिए तो कॉनकेव इंपॉर्टेंट है, और लेंसेज कराऊंगा आगे जाके उसमें कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट, लेंसेज में कॉन्वेक्स मिरर्स में कॉन्केव। अब हम इसको देखते हैं बेटे राइट। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर, और यहां पर मैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके जब मैं ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस पे रे ऑफ लाइट थ्रो करूंगा, ये लाइट फोकस में से गुजरनी चाहिए। फोकस फोकस इसका हम इधर मान लेते हैं। एक बच्चा कहता सर एक बात बताऊं, मैंने कहा बेटे बोलो, कहता फोकस में से जा ही नहीं सकती, आप अपनी गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा क्यों बेटे, कह रहा सर इधर तो मिरर तो यही खत्म हो गया, मिरर अपने अंदर थोड़ी जाने देगा लाइट। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात भी ध्यान से सुनो। उस बच्चे की मैंने बात ध्यान से सुनी, अब वो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। देखो ध्यान से सुनना अब मेरी बात। बच्चे का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, जब मिरर के अंदर लाइट जाएगी नहीं तो फोकस में से कैसे गुजर जाएगी? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यहां से इधर तो चले जाएगी कहीं टकराने के बाद। कहता हाँ जी सर। मैंने कहा ये लो भाई, जो टकराने के बाद इधर जाएगी उसको बना दिया, अब ठीक है? कह रहा सर हाँ अब ठीक है। मैंने कहा बेटे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट गिरी थी, मिरर के अंदर जा नहीं सकती, यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखेगा इस लाइट को, उसे को लगेगा यही कि ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, डॉटेड एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कहां से आ रही है? फोकस में से। मतलब ये कॉनकेव मिरर में एक्चुअली फोकस में से गुजरती है। बेटे आपस में बातें करनी है तो मैं फिर चला जाता हूँ, आप मेरे पीछे से करते रहना जितनी बातें करनी है, बातें नहीं करनी बेटे प्रिपेयर लेक्चर। नेक्स्ट टाइम मैंने पॉइंट आउट कर देना, मैंने डायरेक्टली लिख के दे देना प्रिंसिपल मैम को कि ये दो बच्चे मेरी क्लास में बैठे ही ना, बस डायरेक्ट। अगर वो जबरदस्ती बिठाएंगे तो मैंने क्लास भी ले ली, सिंपल रूल है मेरा बेटे, बातें नहीं करनी। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई और इधर से निकल गई, इस पर्सन को लगेगा कि फोकस में से आ रही है रे ऑफ लाइट। गॉट इट? अब दूसरी बात, आप सभी को पता है पी एफ के डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी आ गया। अब बच्चा कह रहा है सर आपने हमें यह भी सिखाया था कि जो रे ऑफ लाइट फोकस में से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी, फोकस में से जो गुजरेगी। तो मैंने कहा बिल्कुल, कह रहा है यहां से लाओ फिर रे ऑफ लाइट, जैसे ही मैं ये रे ऑफ लाइट उधर से लेकर आऊंगा ऑब्जेक्ट से, अभी मैं थोड़ा रफ ड्रा कर रहा हूँ, ये लो ये लेकर आया बेटे मैं रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट यहां जब टकराई, गौर से देखो मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं है, मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं बेटे, तो क्या करें, यहीं से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दो।
तो बच्चा कह रहा है सर इमेज कैसे बनेगा। मैंने कहा यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दो, उसकी आंख को तो नहीं पता ना ऐसे टकरा के आ रही है। आंख की थिंकिंग पावर नहीं होती, आंख हमेशा ये सोचती है स्ट्रेट लाइन में आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो आंख ये सोचेगी इस बंदे की कि ये रे ऑफ लाइट यहां से कहीं आ रही है, एक्सटेंड कर दो। वो फोकस की तरफ उसने फेंकी थी रे ऑफ लाइट, फोकस तक पहुंची नहीं, वहीं से वापिस आ गई। लेकिन इस पर्सन को क्या लगेगा यहां से आ रही है लाइट। जहां पर ये दोनों डॉटेड लाइनें आपस में कट होगी वहीं पर इमेज बना दो। समझ आया बेटा? मतलब ये बच्चा कह रहा है सर इस रिफ्लेक्टेड रे को भी आपने एक्सटेंड कर दिया और ब्लैक वाली को भी एक्सटेंड कर दिया, तो डॉटेड लाइनों को एक्सटेंड करके जहां पर काटा वही इमेज बने। यस वही बोल रहा हूँ, जहां रे ऑफ लाइट आई कट कर गया। देखो आप टीचर ने बोला था ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो इमेज हमेशा छोटा बनेगा, और अगर रे ऑफ डायग्राम का अगर निडल का टिप अपवर्ड है तो उसका भी अपवर्ड बनेगा। ऐसे इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज, इरेक्ट। ओके बस आपको पेपर में ख्याल क्या रखना है, ज्यादा ख्याल आपने ये रखना है कि जो हमारे टीचर से भी थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो जाती है वो हमने पेपर में गलती नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपके पास तो स्केल होएगा बेटे, गॉट इट? सो यहाँ पर अब आपको समझ आ गया रेड डायग्राम कैसे बनता है। सच बताऊं बच्चे, तुम लोगों की क्लास के इंटेलिजेंस पे मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा। पूरे चैप्टर में जो सबसे टिपिकल चीज थी बाय चांस आपने वही पूछी, शाबाश। यहां से पता लगता है कि आप अच्छी तरह पढ़ते। व्हाट इट सर? अब हम थोड़ा सा असाइनमेंट है आपके पास, असाइनमेंट? यस सर। असाइनमेंट निकालो, शाबाश। हमारे पास कितना टाइम बचा है? 15 मिनट टाइम बचा। कितना टाइम बचा बेटे? 6 मिनट। चलो कोई बात नहीं, तो हम ऐसे करते हैं इस असाइनमेंट को करने की बजाय मैं आपको इसमें एक और टॉपिक का रिफ्रेक्शन उसका बेसिक करवा देता हूँ। तुम लोग क्या करो इस असाइनमेंट को पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत करके आना और फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस असाइनमेंट को करने के लिए इसमें तीन चीजें हैं, मिरर्स है, रिफ्रेक्शन है और लेंसेज है। आपने उसमें दो सेक्शन करके आने हैं, पहले वाला दूसरे वाला। तो मैं आपको रिफ्रेक्शन समझा देता हूँ अच्छे से, 5 मिनट में वही हो सकता है, ठीक है? असाइनमेंट आप पर्सनल लेवल पे करोगे और फिर मैं भी कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि किसी बच्चे से क्या हुआ। लो मैं अपने बच्चों को रिफ्रेक्शन करवाता हूं। थोड़े दिनों में मेरे को आपके नाम याद हो जाएंगे, फिर मैं पर्सनली पूछा करना है आपसे, ये याद रहे बेटे। Now the new topic is refraction. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चों को यह पता होना चाहिए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। कोई बच्चा बता सकता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? शाबाश बोलो। एक भी बच्चा इसको क्लास, चलो मैं एक एक एक, एक चैलेंज पुट करता हूं, एक भी बच्चा क्लास में इसको सही नहीं बताएगा, ऐसे बोल रहा हूं मैं जानबूझकर, और तुम टीचर को गलत प्रूव करो। नहीं सर, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? ये टॉपिक आपने करा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नो सर। ओके, नहीं करा फिर नो क्वेश्चंस, फिर मेरा क्वेश्चन ही गलत है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम, पहली बार तो ये
ऑप्टिकली जब वर्ड बोल दिया तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और दूसरा, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो रेयरर उसको मान लेते हैं जिसका डेंसिटी लो हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये गलत है बेटे। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें अगर लाइट को फेंका जाए तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम हो। ओके, जैसे मैं बोलूं बेटे ऑप्टिकली वेलोसिटी ऑफ द लाइट कहां पर, कांच के अंदर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पर, पानी के अंदर। पहले तो ये देखो कि ये ऑप्टिकल मीडियम है भी कि नहीं, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं। हाँ जी सर हैं। फिर ज्यादा तेजी से लाइट पानी में गुजर पाती है, तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट इन दिस इज ग्रेटर, ये वाली ग्रेटर है और ये वाली लेसर है, और जो लेसर होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं जिसमें रे ऑफ लाइट होती है। इसका मतलब आप कहोगे सर कैन आई कंक्लूड ग्लास इज डेंसर मीडियम देन देन वाटर, तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब मैं यहां से ये सीख सकता हूँ, तो आंसर इज यस। तो उम्मीद करता हूं अपने बच्चों को पता लगा कि रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है। सर क्लियर है ये बात? यस सर। यहां तक मैंने अपने बच्चे को फर्स्ट लर्निंग पॉइंट बताया। अब सेकंड लर्निंग पॉइंट चलते हैं। ऐसा पूछा गया कि जब कोई रे ऑफ लाइट या तो रेयरर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयरर में आए, दोनों ही केसेस में वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को कायम नहीं रख पाती, स्ट्रेट लाइन पाथ को कायम नहीं रख पाती, तो वो क्या कर लेती है, वो ऐसे चलते चलते एक मीडियम में थोड़ा बहुत मुड़ जाती है, बाद में रहेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये अलग स्ट्रेट लाइन होगी, ये अलग स्ट्रेट लाइन, सेम नहीं होगी, राइट? तो ये जो चीज है, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयरर में जाए, तो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को चेंज कर ले अनदर स्ट्रेट लाइन पाथ में, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन प्रोसेस होती है। कोई बच्चा बोलते सर वर्डिंग में बता सकते हो, मैंने कहा बेटे वर्डिंग बुक्स में लिखी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अपने आपके सामने। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दोनों मीडियम ऑप्टिकल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और बच्चा बोलता सर ऐसे होता क्यों है, इसका वाय क्यों है, तो इसका वाय टीचर बता चुके हैं कि रेयरर और डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, नॉट इक्वल, यही इसका वाय है रिफ्रैक्शन। अब ये तो थी इंट्रोडक्शन, अब हम इसका इलेबोरेशन करके दिखाते हैं। नंबर थ्री, ध्यान से सुनना बच्चे, मान लो इस तरफ रेयरर मीडियम है, इस तरफ डेंसर मीडियम है। आप अपने माइंड में मान सकते हो जैसे इस लाइन के नीचे कांच है, ऊपर पानी है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है? और कोई एग्जांपल भी हो सकती है। अब रे ऑफ लाइट यहां पर आई, जिस पॉइंट पर ये गिरती है बेटे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पी पॉइंट, कुछ और भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है पी, लेकिन इसका नाम होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होना चाहिए नाम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रेड लाइन मैंने दिखाई जो दोनों मीडियम्स को अलग अलग करती है, इसका भी स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एज।
रिफ्लेक्टिव एज, और जिस जगह पर ये रे ऑफ लाइट गिरी वहां पर मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन लगाई जो कि रेड कलर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ब्लू कलर वाले जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ब्लू कलर वाली लाइट ने ब्लैक के साथ जितना एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये, प्लस टू में भी आता है दोबारा से डिटेल में। अगर ये रे ऑफ लाइट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ ना चेंज करती तो ये बिल्कुल इधर निकल जाती, लेकिन ये तो तब होता अगर रिफ्रैक्शन ना होती। टीचर ने तो बोला रिफ्रैक्शन होएगी, तो ध्यान से सुनो, तो मैंने इस नॉर्मल को एक्सप्लेन कर दिया। रे ऑफ लाइट का नॉन साइंस पर्सन सोचेगा ऐसी आएगी लाइट, लेकिन साइंस वाले बच्चे को रिफ्लेक्शन होगी, ये लाइट अपना असली स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं कायम रख पाती। ये लाइट जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ, ये भी नॉर्मल ही हुआ देखो, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये डॉटेड पाथ को छोड़ दो ऐसे चले जाएगी। देखो रहा स्ट्रेट लाइन, बाद में भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन डायरेक्शन कायम नहीं रह सकी, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगी। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से मुड़े, तो अगर मैं बल्ब को यहाँ रखने की बजाय यहाँ रख देता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाके ऐसे हो जाती, यानी जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ब्लैक लाइन की तरफ। अब ध्यान से सुनो ना, जा रही थी इधर को, चलेगी इधर को, इतने एंगल से मुड़गी, मुड़ने की इंग्लिश होती है डेविएट, डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटे, और इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, गॉट इट। और इस एंगल को मैंने पिछली बार बोला था एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं, और आई एंगल बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से अगर ले रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आए, एंड वाइस वर्सा। और एक लास्ट पॉइंट, आर और डेल्टा का अगर टोटल कर दें देखो तो टोटल एंगल इतना बन जाएगा, तो वो आई के वर्टिकली अपोजिट बन गया। तो मैथ में आप पढ़ते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो डबल लाइन वाला एंगल डबल लाइन वाले एंगल के बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट, ये भी याद रखना है। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते, लाई इन सेम प्लेन। एक बात याद रहे ध्यान से, इसको रिफ्लेक्टेड मत बोल देना, रिफ्रैक्टेड, सीधा सीधा स्पेलिंग रिफ्रैक्टेड, एल नहीं आता कहीं भी। ओके यस सर, ये हमारा रिफ्रैक्शन। एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं यहां पर रे ऑफ लाइट देख लूं इस केस में, इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम और यहाँ डेंसर है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, तो इन दोनों की रेशियो को डेफिनेशन वाइज म्यू बोलते हैं बाय डेफिनेशन। इस डायग्राम में अगर उल्टा भेजते तो लाइट इसकी इसकी ऊपर आता है, इसका नीचे, जहां लाइट पहले थी वो न्यूमरेटर, एंटर जहां करी वो नीचे। इसको क्या बोलते हैं म्यू को, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये क्या बताता है सर, पहली बात तो ये वेलोसिटी से वेलोसिटी की यूनिट सेम होने की वजह से ये यूनिट लेस होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बच्चे, जिन दो मीडियम्स के जोड़े का म्यू, ये म्यू किसका होगा, ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, यहां से लाइट ऐसे आई, जिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा भी ज्यादा होगा, और जितना डेल्टा ज्यादा होता है उतना हम कहते हैं रिफ्रैक्शन की प्रोसेस भी ज्यादा हुई, रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स द लेवल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितना म्यू कैलकुलेट करके ज्यादा आएगा
उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा कहीं जाएगी, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हो गया बच्चे, ये सारा हमने कब पढ़ा, जब लाइट कहां से कहां गई, रेयरर टू डेंसर, और रेयरर टू डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऑफ डेंसर ये हमेशा ग्रेटर देन वन होता है बच्चे, एंड वाइस वर्सा। अगर लाइट उल्टा भेजते तो म्यू कम होता, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बनना था, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उधर बनना। दोनों दूसरी डायग्राम मैंने बनाई नहीं है क्यों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और हमारे पास वक्त भी नहीं है, ठीक है? दोनों अगली बार अगर चाहोगे तो वो बना दूंगा मैं। अब आपने क्या करना बेटे, अब आपने मेरे बच्चे ने घर जाके प्यारे बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, कहां से कहां तक आपने पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश कर, कोई भी ना हो जाए आपने ट्राई जरूर करनी है, बिल्कुल भी हौसला नहीं छोड़ना, ठीक है? और मैं अपने आप संभाल लूंगा अपने बच्चों को, ठीक है? ये लास्ट पेज को छोड़ देना आपने, उसमें लेंसेज हैं, लास्ट पेज को छोड़कर बाकी आपने फिजिक्स वाली सारी करनी है, चार पेजों की है आपने तीन पेज करनी। आज का समझ आया? सभी बच्चे हाथ खड़ा करके बोलेंगे अगर समझ आया, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, बहुत अच्छे, फोकस्ड कंसंट्रेशन था तभी मेरे बच्चों को समझ आया। अगर बच्चा मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेगा बेटे, आई प्रॉमिस आई विल मेक यू गोल्ड इन द नॉलेज, गोल्ड। और जो बच्चा लेक्चर चलते लेक्चर में बीच में बोलेगा सर मेरे को ये बता दो, पक्का बताया जाएगा, गारंटेड। अपना काम वहीं पर रोक के उस बच्चे का बताऊंगा भाई। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय। अरे ये बॉयज तो बाय बाय नहीं करते, बाय मेरे, जब तक मेरे को बाय बाय नहीं करते मैं जाना ही नहीं। बाय बाय रेड वाली गर्ल्स, मेरे को बाय बाय। थैंक यू। और भी कुछ और बात करें।